नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैथानी। रुक करते हैं आज के बुलेटिन का, जहां पर आज की पहली बड़ी खबर आ रही है पहलवान बनाम बृजभूषण शरण मामले से। बता दें कि बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों का आंदोलन भले ही स्थगित हो गया हो, लेकिन इसको लेकर विवाद अभी भी नहीं थमा है। ताजा घटनाक्रम में दो महिला पहलवानों के बीच ट्विटर पर युद्ध छिड़ गया है, जहां पर पहलवान साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान के आरोपों पर बीजेपी नेता और रेसलर पपीता फोगाट ने जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि एक कहावत है कि जिंदगी भर के लिए आपके माथे पर कलंक की निशानी पड़ जाती है, बात ऐसी ना हो दोस्त की कह के फिर छिपानी पड़ जाए। उन्होंने आगे लिखा, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देती हूं कि अनुमति का कागज छोटी बहन दिखा रही है, उस पर कहीं भी मेरे हस्ताक्षर या मेरी सहमति का कोई प्रमाण नहीं है, ना ही दूर दूर तक इससे मेरा कोई लेना देना है। तो वहीं आदि पुरुष के लगातार विरोध के बाद फिल्म के मेकर्स ने बड़ा ऐलान किया है, जहां पर फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुतंशिर ने ट्वीट कर ये घोषणा की है कि अब फिल्म के डायलॉग बदले जाएंगे। वहीं फिल्म के मेकर्स ने भी इस बार बयान जारी करके आधिकारिक तौर पर डायलॉग बदलने की बात कही है। फिल्म को लेकर लगातार विरोध हो रहा है, जिसे देखते हुए मेकर्स ने ये बड़ा फैसला लिया है। प्रभास की फिल्म आदि पुरुष के लिए जनता शुक्रवार को खूब भीड़ लगाकर पहुंची। वहीं रामायण की कहानी पर बेस्ड इस फिल्म का ग्रैंड स्केल सभी को उत्तेजित कर रहा था, लेकिन फिल्म के डायलॉग ने दर्शकों को काफी निराश किया है, जिसके बाद अब मनोज मुतंशिर ने ट्वीट करके कहा है कि फिल्म के डायलॉग बदले जाएंगे। मन की बात कार्यक्रम का 102वें प्रसारण में पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि 2025 तक हम भारत को टीवी मुक्त भारत बनाएंगे। लक्ष्य बहुत बड़ा है, एक समय था जब इस रोग का पता चलने के बाद भारत के लोग ही दूर हो जाते थे, लेकिन आज के समय में टीवी के मरीज को सदस्य बनाकर इलाज किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के तहत देशवासियों के साथ संवाद कर चुके हैं, जहां पर मन की बात कार्यक्रम का ये 102वां प्रसारण था। मन की बात कार्यक्रम महीने के आखिरी रविवार को होता है, लेकिन इस बार ये आज 18 जून को हुआ। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि आमतौर पर मन की बात हर महीने के आखिरी रविवार के आपके पास आता है, लेकिन इस बार ये हफ्ते के पहले में ही आ चुका है। तो वहीं केदारनाथ मंदिर गर्भगृह में सोने की जगह पीतल की परतों के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। तीर्थ पुरोहितों के बाद अब मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की भी एंट्री हो गई है। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को बेहद संवेदनशील बना दिया है अपने एक ट्वीट से। उन्होंने जांच की भी मांग करी है, जहां बता दें कि केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर सोने की परतें लगाए जाने का मामला शुरू से ही विवादों में रहा था। इसके बाद भी केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर सोने की परत चढ़ाई गई। वहीं अब गर्भगृह की दीवारों पर लगाई गई सोने की परतों को लेकर फिर से विवाद शुरू हो गया है। तीर्थ पुरोहितों ने आरोप लगाया कि केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में की दीवारों पर जो सोना लगाया गया है वो पीतल में बदल दिया गया है। मामले में अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, जहां अखिलेश यादव ने इसे आपराधिक और आस्था से खिलवाड़ करने का मामला बताया है। हालांकि बद्री केदार मंदिर समिति की ओर से इस पूरे विवाद को लेकर खंडन पत्र जारी हो चुका है। तो वहीं बात करेंगे पीलीभीत की, जहां पर युवक ने खुदकुशी कर दी है। इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है, जहां पर पीलीभीत में घरेलू कला के चलते युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। युवक का शव फांसी के फंदे पर पेड़ पर लटका मिला, जहां पर युवक की उसकी पत्नी से एक कहासुनी के चलते युवक ने खुदकुशी जैसा बड़ा कदम उठा दिया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये पूरा मामला अमरिया क्षेत्र के उदयपुर गाँव का है, जहाँ पर एक कहासुनी के चलते, एक लड़ाई के चलते पति ने खुदकुशी जैसा फैसला उठाया।
तो वहीं हरदोई के अरवल थाना क्षेत्र के भारी गांव के पास राम गंगा नदी में नहाते समय दो चचेरे भाई डूब गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची एसडीएम और पुलिस ने गोताखोरों की मदद से नदी में डूबे बच्चों की तलाश कराई। वहीं दोनों बच्चे बकरियां चराने के लिए नदी के किनारे गए थे, जिसमें दोनों नदी में नहाने लगे। अचानक गहरे पानी में चले जाने की वजह से दोनों भाई डूब गए। वहीं नदी के बाहर खड़े बच्चे ने नदी में डूब रहे दोनों किशोरों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। उसने भागकर तुरंत घर वालों को सूचना दी, जहां पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने मामले की जानकारी अरवल पुलिस को दी। वहीं सूचना के करीब ढाई घंटे के बाद पहुंची पुलिस ने नदी में डूबे बच्चों की तलाश की कोशिश शुरू कर दी। हालांकि गोताखोर न मिलने के कारण रेस्क्यू में देरी हो गई और जिस वजह से वो दोनों बच्चे नहीं बच पाए। अंशु और अर्जुन नाम के दो बच्चे थे, एक की उम्र 18 साल है, एक की 16 साल के आसपास है। ये दोनों राम गंगा में नहा रहे थे, उन्हें तैरने नहीं आता था, यहीं उनको डूब गए हैं। मौके पर पुलिस मौजूद है, उनकी तभी से तलाश जारी है। जाल फेंकी गई लेकिन अभी नहीं मिले हैं। आगे डेड बॉडी की तलाश की जा रही है, डेड बॉडी मिलने पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं ललितपुर में सवारियों से भरी टैक्सी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक दर्जन लोग घायल हो गए। सारे लोग मिर्चवारा से तेरई करके ललितपुर लौट रहे थे। वहीं मसौरा बरियल पर अचानक कुत्ते को बचाने के चक्कर में टैक्सी बेकाबू होकर पलट गई, जिससे ये बड़ा हादसा हो गया। वहीं घायलों में एक युवती की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसके बाद चिकित्सकों ने उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। पूरा मामला मसौरा बरियल के पास हुआ है, जहाँ पर एक टैक्सी अनियंत्रित होकर पलट गई। तो वहीं ललितपुर में बैनर पर फोटो ना होने के कारण जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश नारायण निरंजन ने अपना आपा खो दिया। मौका था अटल आवासीय विद्यालय दौरे के उद्घाटन का, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश नारायण निरंजन की फोटो पोस्टर से गायब थी, जिसके बाद पंचायत अध्यक्ष आग बबूला हो गए। जहां जिला पंचायत अध्यक्ष ने सदर विधायक और राज्य मंत्री के सामने जूता चलाने की बात कही थी। इसके अलावा उन्होंने अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ चंदा देने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष हैं हम। वहीं उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी चीज का डर नहीं है, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष का ये पूरा वीडियो मीडिया पर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो वहीं हरदोई में घर के अंदर आग लगने से हड़कंप मच गया है। अज्ञात कारण के चलते घर के अंदर आग लग गई, जहां पर अंदर पड़े छप्पर में आग लगने से बड़ी दिक्कत आई है। वहीं पड़ोसियों ने आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। छप्पर के नीचे रखे गृहस्थी का सामान भी इसमें पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। वहीं मामला सांडी कस्बे मोहल्ले के सैयदवाड़ा का है, जहां पर अचानक से अज्ञात कारणों से घर में आग लग गई। हरदोई में सीडीओ के सामने एसडीएम ने फरियादी को गाली दी है, बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां पर एसडीएम की तरफ से गाली देने की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि पीड़ित ने कानूनगों पर कब्जा दिलाने के लिए 20,000 रिश्वत की मांग करने का आरोप लगाया था। बता दें कि फरियादी संपूर्ण समाधान दिवस में अपनी फरियाद लेकर पहुंचा था, जिसको सीडीओ सौम्या गुरानी ने गौर से सुना था, लेकिन एसडीएम नारायण सिंह ने इसे झूठा आरोप कहकर बड़ी तरह से इसको डांटना शुरू कर दिया, जहां पर आगे गालियां भी दी गई और इस तरह से पूरी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए फरियादी को डांट लगा दी गई। तो वहीं गोरखपुर में नशे में धुत दो रईसजादों ने महिलाओं पर कार चढ़ा दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी ने बताया कि उसके पिता डीएम के ड्राइवर है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गर्मी के समय बरसातपुर परेड ग्राउंड में आसपास ही लोग टहलने के लिए आते थे, तभी अचानक लगभग 9 बजे के आसपास स्विफ्ट ब्लैक कलर की एक कार परेड ग्राउंड में पहुंची और दो महिलाओं को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। इस दौरान एक महिला की उसी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं दूसरी महिला अर्चना डायसन गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की तरफ से उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। हालांकि इस पूरे मौके पर चौकी प्रभारी और अपने दल बल के साथ पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट चुके हैं,
लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक शव को सपुर्द नहीं करेंगे। वहीं आसपास के लोगों का कहना है कि हर आए दिन नशे में धुत होकर ये लोग ग्राउंड में बेतरतीब ढंग से गाड़ियां चलाते हैं और अपने पिता को जिलाधिकारी का ड्राइवर बताते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मृतिका किसी तरीके से आसपास के लोगों को घरों में काम करके अपना जीवन यापन करती थी और अब पूरे तरीके से उनके बच्चों से किसी भी तरह का मदद का साया भी उठ चुका है। हालांकि आसपास के लोग इस पूरे मामले को भरसक तरीके से सामने रख रहे हैं। ये आकाश थॉमस जो है वो जोशी थॉमस का लड़का है, उसका बाप भूतपूर्व डीएम ड्राइवर था। आज भी ये लड़के पी के यहाँ पे मतवाले हो के कार चलाते हैं और कहते हैं कि मेरा बाप तो डीएम का ड्राइवर है, कौन मेरा क्या उखाड़ लेगा। ये शब्द कहते हैं, ये शब्द कहते हैं। और वो बिचारी बैठी थी, उसको लपेट लिया गाड़ी में, घुमाया और मार डाला, एकदम गठरी बना दिया। अब तो ये चीज योगी जी के पास ही, मम्मी मेरी बैठी हुई थी यहाँ पर नीचे, ठीक है, हम लोग पीछे बैठे हुए थे, ये लोग गाड़ी लेके पीछे आए जहाँ पे वो तो का नाम है 112 नंबर गाड़ी खड़ी है, ठीक है, वहीं पर। और वहाँ से लेके यहाँ पे चढ़ा के, उनको नहीं दिख रहा है कि आदमी बैठा हुआ है, और उस पर चढ़ा के लेके चले आए। वो मेरी मामी है दोनों। तो वहीं प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस की ओर से एक और चार्जशीट दाखिल की गई है। इस चार्जशीट में अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक और वकील खान सौलत हनीफ समेत 8 लोगों के नाम हैं। इन सभी को उमेश पाल की हत्या के साजिश में शामिल होने का आरोपी माना गया है। इसके साथ ही अब तक इस मामले में कुल 9 लोगों पर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। जिन 8 लोगों पर शनिवार को चार्जशीट दाखिल की गई उनमें डॉक्टर अखलाक और सौलत के अलावा कैश अहमद, राकेश उर्फ नाकेश उर्फ लाला, मोहम्मद अशरद कटारा, नियाज अहमद, इकबाल अहमद उर्फ मोहम्मद सजर, शाहरुख उर्फ शाहरुख शामिल है। सभी आरोपी वर्तमान के समय में जेल में हैं। वहीं इन सभी के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप विवेचना के दौरान सही पाए गए हैं। ऐसे में इनके खिलाफ दलित उत्पीड़न समेत मुकदमे में लगी सभी धाराओं में समान रूप से चार्जशीट दाखिल की गई है। तो वहीं मऊ में 3 अंतर जनपदीय वाहन चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जहां पर चोरी के 3 मोटरसाइकिल भी बरामद हुए। आपको बता दें कि मऊ की पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी है जब मुखबिर की सूचना पर बांदा रोड के पास अंतर जनपदीय गिरोह के 3 वाहन चोरों को चोरी की 3 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 3 वाहन चोरों को चालान न्यायालय करके जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस इनके अन्य चोरों की मोटरसाइकिल और गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में जांच पड़ताल कर रही है। बता दें चले कि कोतवाली पुलिस को मुखबिर की तरफ से यह सूचना मिली थी कि अंतर जनपदीय गिरोह के 3 वाहन चोर बांदा रोड से गुजरने वाले हैं। वहीं कोतवाली पुलिस ने तुरंत ही बांदा रोड पहुंचकर चेकिंग शुरू कर दी, जहां थोड़ी देर में ही 3 वाहन चोर चोरी की 3 मोटरसाइकिल के साथ आते दिखे। वहीं पुलिस ने उन्हें हाथ देकर रोकने की कोशिश की, जिसके बाद तीनों वाहन चोर वाहन मोड़कर भागने लगे। वहीं कोतवाली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार करके पीछे से धर दबोचा। वहीं 3 वाहन चोरों में से 1 बलिया जिले का रहने वाला है, तो वहीं दूसरा गाजीपुर का, वहीं तीसरा मऊ का रहने वाला है। तीनों वाहन चोर मोटरसाइकिल को चुराकर उसको सस्ते दाम पर बेच दिया करते थे। वहीं पुलिस इनके बाकी गैंग के सदस्यों और वाहन चोरी की घटनाओं की जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल इन 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। बात करेंगे अलीगढ़ की, जहां पर चोरों का आतंक लगातार जारी है, जहां पर चोर ई रिक्शा को लेकर फरार हो गए। अलीगढ़ में चोर लगातार अपने आतंक से लोगों को खौफजदा कर रहे हैं और इस बार चोर ई रिक्शा लेकर फरार हो गए। बाघ सवार 2 चोरों ने थाना महुआ खेड़ा से ई रिक्शा चोरी कर ली है, जहाँ पर चोरी की वारदात पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। फिलहाल पुलिस जाँच पड़ताल में जुटी हुई। पूरा मामला महुआ खेड़ा क्षेत्र के PSC रामघाट रोड का है, जहां पर चोरों ने ई रिक्शा की चोरी को अंजाम दिया है।
वहीं अयोध्या में उदासीन ऋषि आश्रम में सदियों पुरानी परंपरा एक बार फिर से जिंदा होती नजर आई, जहां पर उदासीन परंपरा के करीब 100 संतों की टोली चतुर्मास करने के लिए अयोध्या पहुंची। वहीं इसका देखा गया कि वहां पर उनका भव्य अभिनंदन हुआ है। वहीं रामनगरी स्थित उदासीन परंपरा की प्रधान पीठ उदासीन आश्रम रानोपोली के महंत डॉक्टर भारत दास के नेतृत्व में मोबरा चौराहे पर संतों का अभिनंदन पुष्प वर्षा के साथ किया गया। यहाँ से गाजे बाजे के साथ संतों का समूह उदासीन आश्रम पहुंचा। यहाँ रामनगरी के संत समाज की ओर से भव्य अभिनंदन किया गया। उदासीन आश्रम के महंत डॉक्टर भारत दास ने बताया कि आश्रम के तपस्वी संत सगत बख्श ने इस परंपरा को शुरू किया था, जहां उदासीन परंपरा के संत धर्म रक्षा के लिए भ्रमणशील रहते हैं। संतों का समूह जब पूर्वांचल में प्रवेश करता है तो उसका चतुर्मास उदासीन आश्रम में ही होता है। इससे पहले संतों की भ्रमणशील टोली ने 2007 में यहां चतुर्मास किया था। ऐसा है कि हमारा ये जो अद्वैत सत्य पंच परमेश्वर भगवान हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए सनातन वैदिक परंपरा को प्रचार प्रसार करते हुए और जिस संप्रदाय में हम लोग दीक्षित हैं उदासीन संप्रदाय में, उन सिद्धांतों का भी प्रचार प्रसार करते हुए, आप जानते हैं कि हमारी जो वैदिकीय परंपरा रही जिसको चातुर्मास से कहते हैं, चातुर्मास में होता है, प्राचीन काल से यह परम्परा रही है। कृष्णम वंदे जगद्गुरु, कृष्णम वंदे जगद्गुरु, कृष्णम वंदे जगद्गुरु, श्री अयोध्या धाम की जय हो, प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, माता किशोरी जी की जय हो, चारों भजन की जय हो। ये जो आज पंच परमेश्वर यहाँ पधारे, ये पंच परमेश्वर पूरी भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए चार जगह पर कुंभ मेला करते हुए तो वहीं ललितपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला ने फांसी लगा ली। गनीमत रही कि रस्सी टूट गई जिससे महिला नीचे गिर गई। जैसे ही परिजनों को मामले की जानकारी हुई, परिजन युवती को आनन फानन में गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय लेकर आए, जहां पर हालत नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने महिला को मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर कर दिया। पूरा मामला सदर कोतवाली अंतर्गत ग्राम जिजयावन का बताया जा रहा है, जहाँ पर महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या की कोशिश करी। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? कहाँ से आए आप? कौन है ये आपकी? हमारी छोटी बेटी। अच्छा, क्या हुआ इनको? फांसी लगा ली। कैसे पता चला आपको? क्या था? हम तो मेरे जी एक बच्ची थी 10 साल की, तो बच्ची ने देखा तो बच्ची उड़ा गई, मम्मी चाची कुछ हो गया तो। क्या कारण रहा है इन्होंने फांसी लगाई, कोई कारण पता है? कुछ नहीं है मेरे पता। तो वहीं झांसी में जबरन धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है। चिरगांव में रह रही एक महिला ने हनीफ नाम के मुस्लिम युवक पर जबरन धन परिवर्तन करवाने और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। बता दें कि महिला ने बताया कि कुछ समय पहले हनीफ नाम के एक शख्स ने उससे संपर्क किया था। वहीं हनीफ ने उसे अपनी बातों में फंसा कर घर से भाग जाने के लिए मना लिया। उसके बाद दोनों लगभग एक साल तक अलग अलग जगहों पर लिव इन रिलेशनशिप में रहे। काफी समय बीत जाने के बाद जब महिला ने हनीफ पर शादी का दबाव डाला तो हनीफ टाल मटोल करता रहा। वहीं महिला की तरफ से बार बार शादी के बारे में पूछे जाने पर हनीफ ने कहा कि तुम हिंदू हो इसलिए तुमसे शादी नहीं कर सकता, अगर तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। हनीफ खाना में छोड़ के भाग गया चिरगांव में। ये कौन है आपका? ये बॉयफ्रेंड था, बोल रहा था हम शादी करेंगे आपसे और हम आपको रखेंगे, तो मतलब शादी का जहाँ शादी करके जी हमें घर से भगा के लाया और इसने बहला फुसला के मतलब। नौ क्षेत्र का मामला है, क्या मामला? थाना चिरगांव में मध्य प्रदेश की एक लड़की जो श्यावली चंदेरा टीकमगढ़ की रहने वाली है, उसने हनीफ खान के विरुद्ध एक मुकदमा लिखाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें ये बताना है कि इस महिला रानूपाल, चूँकि पूर्व में शादीशुदा है अखिलेश पाल के साथ इसकी शादी हुई थी और उसके बाद ये अपने पति से अलग रहने लगी थी, इसी हनीफ खान जो वर्तमान में जिसके साथ रह रही है।
महोबा में तंत्र मंत्र के विवाद में दबंगों ने एक युवक को खंभे से बांधकर बेरहमी से मारकर पीट कर मार डाला। बता दें कि रस्सियों से बांधकर युवक को लाठी डंडे से पीटकर बेदम कर दिया गया, जहां सूचना पर पहुंचे परिजनों ने युवक को अचेत अवस्था में रस्सियों से बंधा पाया, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। दबंगों के घर बंधक पड़े युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से आरोपियों पर मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। और हैरत की बात है कि पुलिस ने पीड़ित के खिलाफ भी कार्रवाई कर दी, जिससे पुलिस से कार्रवाई पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। पैसे लिए थे बाबू पैसे लिए था। मैंने उससे दो तीन बार पैसे मांगे, कहा हम दे देंगे, मेरे को ठीक है। तो उस दिन भंडारा था, तो उसने 8:30 बजे के लगभग मुझे फ़ोन किया, कहा अपने पैसे लेने आओ, घर आ जाओ। तो मैंने कोई आदमी भिजवा दो, तो कहा आ जाओ। तो मैंने को ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तो फिर दोबारा उसने घर पहुँचा, फिर दोबारा फ़ोन किया। मैं दुकान में बैठा था, वहीं दुकान में बैठी थी, आया बाबू, कहा चलो घर। कानपुर में अघोषित बिजली कटौती और लगातार बिजली फॉल्ट से गर्मी में जनता काफी परेशान हो रही है। जहां बिजली कटौती से जनता को परेशानी से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि केस्को को इस बारे में अवगत कराया गया और उसके लिए सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने केस्को MD को ज्ञापन देकर बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। विधायक अमिताभ वाजपेयी का कहना है कि बिजली कटौती के साथ ही फॉल्ट और ट्रिपिंग की संख्या भी काफी बढ़ गई है, जिससे जनता काफी आक्रोशित है। इसलिए केस्को MD को ज्ञापन देकर बिजली समस्या को दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि केस्को MD को सुझाव दिए हैं कि बिजली कटौती की सूचना जनता को मिलनी चाहिए और पानी सप्लाई के समय बिजली की ट्रिपिंग ज्यादा हो रही है, जिससे पीने का पानी का संकट भी हो रहा है। इसलिए जनता की समस्या के समाधान के लिए यहां पर ज्ञापन सौंपा गया है। इस शहर में इस समय बिजली आपूर्ति स्थिति बहुत खराब है। अघोषित विद्युत कटौती हो रही, मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं 24 घंटे बिजली दी जा रही है और मांग से ज़्यादा हमारे पास बिजली है, लेकिन मौके पर ऐसा हम आप सब महसूस कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है और बिजली कटौती बहुत हो रही है। दो रात तो हम नहीं सोए, हमारे घर में रात और बिजली नहीं आई। ट्रिपिंग्स की संख्या, फॉल्ट संख्या बहुत अधिक है। केस्को ने संभवतः गर्मी की तैयारी बेहतर ढंग से नहीं करी, इसलिए ट्रिपिंग फॉल्ट संख्या बहुत अधिक है। तो वहीं झांसी से एक हैरत अंगेज खबर सामने आ रही है, जहां पर एक पत्नी को लेकर पुलिस चौकी में दो पतियों ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है, जिस पर दोनों पक्षों के अलावा नगर के सैकड़ों लोग पुलिस चौकी के सामने इकट्ठा हो गए। गौरतलब है कि मऊरानीपुर निवासी पिंकी कुशवाहा की शादी लगभग 5 साल पहले एक सम्मेलन के दौरान जालौन में हुई थी, जहां पिंकी के अनुसार उसका पति शराब गांजा पीकर उससे मारपीट करता था तथा उसे घर से निकाल देता था। एक साल तक वो पति की हरकतों को बर्दाश्त करती रही, मगर दिनों दिन बढ़ती पति की हरकतों से तंग आकर वो अपने मायके मऊरानीपुर में रहने लगे। इसके बाद पिंकी कुशवाहा ने अपनी दूसरी शादी रानीपुर बस स्टैंड के आगे खिरक निवासी रोहित से कोर्ट मैरिज करके रहने लगी उसके साथ। वहीं शनिवार को दोपहर उस समय हंगामा हो गया जब पिंकी के जालौन निवासी पहले पति ने रानीपुर चौकी आकर पुलिस को अवगत कराया कि उसकी पत्नी के पास उसका तमाम जेवर है, जिसकी वजह से इस पूरी शिकायत को अंजाम दिया गया। पुलिस चौकी में पिंकी और उसके पति रोहित को पकड़कर पुलिस चौकी लेकर आई, जहां पर पुलिस ने रोहित को बंद कर दिया और पिंकी को चौकी में बिठा लिया। काफी देर तक दोनों पक्षों में लड़ाई होती रही, हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया। वहीं पिंकी एक ही जिद पर अड़ी रही कि वो बालिक है और उसने अपनी मर्जी से दूसरी रजिस्टर्ड शादी रोहित के साथ की है और आगे भी वो उसी के साथ रहना चाहती है। क्या नाम है? पिंकी, कहाँ की हो? क्या समस्या हुई था चौकी में आए हो? दूसरी शादी करी। अच्छा, तुमने दूसरी शादी की है, पहली शादी कहाँ हुई थी? वहाँ क्यों छोड़ दिया? वहाँ पीट कर रखते, दारू गांजा फांसी लगाते, घर में से निकाल रखते। अच्छा, कितने दिन हो गए शादी को? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए, उसके बाद आपने दूसरी शादी की कहाँ? महोबा में एक युवती ने बीती रात अज्ञात कारणों के चलते अपने कमरे में फांसी के फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। सुबह जब मृतिका के पति सहित परिजन नींद से जागे तो युवती को फांसी के फंदे से लटक कर उनके चीख पुकार मच गई। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस के द्वारा मृतकों के शव का पंचनामा भर के उसका पोस्टमार्टम कराते हुए पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट चुकी है। भैया, क्या नाम है आपका? हरिमर्दन। कहाँ के निवासी हो? बड़ा। क्या घटना हो गई, क्या हो गया?
फांसी लगा ली पत्नी ने। क्यों लगा ली, क्या वजह थी? मालूम नहीं, इतना कोई झगड़ा विवाद या कुछ हुआ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। कब लगाई फांसी, कैसे जानकारी लगी घर वालों को? घर वालों को सुबह लगी जानकारी। कहाँ पे लगाई फांसी? अपने कमरे में उसमें। अच्छा, अभी कहाँ लाए हैं, क्या कार्रवाई हो रही है? महोबा में थाना महुबंटक क्षेत्र के गुटई रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई है। तो वही मृतिका के परिजन ने बताया कि युवक ट्रेन में सवार होकर घर वापस आ रहा था। युवक की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई है। जहां सुबह ग्रामीण जब शौच क्रिया के लिए रेलवे स्टेशन के पास से गुजरे तो युवक के शव को देखकर उनके बीच हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जहाँ पर पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। भैया क्या नाम है आपका? हरस्टन। कहाँ के निवासी हो? पिपरी। क्या हो गया, क्या घटना हो गई? महोगा से घर जा रहे थे अपने, तो घटे स्टेशन के पहले घर पर 1 किलोमीटर। कहाँ से जा रहे थे, कहाँ गए? ट्रेन से। फिर कैसे सूचना लगी आप लोगों को? सुबह जब आदमी लेटर गए उनने बताया। अभी कहाँ लाए हो, क्या कार्रवाई हो रही है? पोस्टमार्टम के लिए। फरुखाबाद से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां पर ट्रेन से कटकर 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। तीनों बच्चे शादी समारोह में आए थे, सुबह शौच करने के लिए महिलाओं के साथ तीनों बच्चे गए तो वहां पर देखा कि तीनों बच्चों के शव को रेलवे स्टेशन पर पाया गया है। रेलवे ट्रैक पर 3 बच्चों के शव को पर देखकर सभी इलाके में लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम वहां पर मौके पर पहुंची, जहां पर पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मामला मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के जाजपुर बंजारा गांव का है, जहां पर 3 बच्चों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मैं लौटूंगी बाकी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।